जलेबी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने ली है मैदा, राइस फ्लोर, दही और बेकिंग सोडा। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ 3 चम्मच, 3 चम्मच मैदा लेंगे और जलेबी कुरकुरी आए इसके लिए मैं 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच दही डालकर इसको मिक्स करूँगी। इसमें ही हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसको लगातार तब तक फेंटेंगे जब तक इसमें एक भी लम्स ना रह जाए। इस गोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। देखिएगा कितना ही गाढ़ा रखना है इसको। बस इसे और अच्छे से फेंटेंगे, जो हल्का सा लम्स रह गए हैं इसमें वो निकल जाए, तब तक मैं इसे लगातार फेंटूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। बैटर अच्छे से फूल गया है तो इसमें मैं फूड कलर की बजाय इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल रही हूँ कलर अच्छा आने के लिए। आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। देखिए बैटर अच्छे से फूल चुका है, तो आइए तैयार करते हैं जलेबी। जलेबी की चाशनी बनाने के लिए यह मैंने एक गहरी कढ़ाई ली है। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे गैस रख के हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। और इसमें हम 1/2 किलो चीनी डाल रहे हैं। चीनी मेल्ट होने तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे। जलेबी की चाशनी के लिए
हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल सिंपल चाशनी बनानी है। ज़्यादा चाशनी दोस्तों इसलिए बना रही हूँ जिससे कि जलेबी इसमें आसानी से डूब जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी है, चाशनी हमारी बनने ही वाली है। इसलिए मैं इसमें एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल रही हूँ जिससे कि चाशनी हमारी साफ हो जाए। नींबू का टुकड़ा डालने से दोस्तों चाशनी जमेगी भी नहीं। अब ये जो इसके ऊपर ये झाग आ रहे हैं ये मैं इसमें से निकाल दूंगी। इस तरह से हमारी चाशनी एकदम साफ हो जाएगी। नींबू से या दूध से किसी भी चीज़ से आप चाशनी साफ कर सकते हैं। इसमें एक चम्मच दूध डाल के भी इसी तरह से चाशनी साफ करी जा सकती है। अब मैं इसमें से नींबू निकाल लूँगी। एकदम रेडी है तो हम इसे हटा देंगे और इसके बाद हम अपनी जलेबी बनाएंगे। इसको हम ढक के रख देंगे। अब बारी है हमारी जलेबी बनाने की, तो बैटर तो हमारा रेडी है तो इसे हम पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। जलेबी को सेकने के लिए यह मैंने चौड़ी तली की कढ़ाई ली है। इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल दोस्तों ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा इंची का ही रखेंगे ताकि इसमें जलेबी ऊपर को फूल के ना आए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हल्की आंच पर ही जलेबी डालेंगे जिससे कि अच्छी आए जलेबी। बैटर को पाइपिंग बैग में कर लिया है तो आइए बनाते हैं जलेबी। तो हम इसमें अपनी जलेबी बनाते हैं। करारी होने तक हम इन्हें सीम आंच पे सेकेंगे। ये एक तरफ से सिक चुकी हैं तो हम इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बन रही है। ज़्यादा पतला बैटर होने की वजह से कभी कभी जलेबी फट भी जाती हैं लेकिन ये एकदम एकसार बनी है। सीख चुकी हैं ये तो हम इसे चिमटे की सहायता से
डायरेक्ट बखर में डालेंगे। मैंने चाशनी में डाल रही हूँ। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है ये। तो हम इसमें अपनी और बाकी बची हुई जलेबी बनाते हैं। करारी होने तक हम इन्हें सीम आंच पे सेकेंगे।